हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारिया नूं। पंजाबी डिश चैनल पे थोड़ा स्वागत है। कटहल की सब्जी बनाने जी आपां बिल्कुल सिंपल तरीके दे नाल, बहुत ही टेस्टी सब्जी यह बनती। सरों का तेल आपां पाया, चंगी तरह गर्म कर लिया। तो कटहल आपां जिहड़ा कटिए सब्जी लियांदी सी, इह तेल नूं चंगी तरह सरों दे नूं गर्म कर लिया। तो इहनूं आपां जिद्दां जिमीकंद नूं तलदे हां, अगर तुसीं ज़्यादा तेल पा के भी इहनूं तलना चाहुंदे ज़्यादा पा सकदे हां। मैं थोड़ा घट तेल पाया, बस इनू आपां तलना चंगी तरह फ्राई करना है। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी यदि बनती, इस तरह बनाऊंगे मेरे तरीके दे नाल, ते बहुत ही टेस्टी सब्जी बनूंगी। तरीका अपना बिल्कुल सिंपल है, तो बस मसाले भी उही हुंदे आ, समान उही सारा हुंदा आ। थोड़ा जिहा बनाउण दा तरीका आपां बदल लईदा आ। तो ऐसे तरह इनू आपां देखो चंगी तरह गोल्डन कर लिया, आपां गोल्डन ब्राउन जिहड़ा कर लिया, जालना नहीं गा इनू। तो इस तरह इनू भुन लेना चंगी तरह। तो हुण इहनूं आपां कढ लैणे, मैं तेल जिहड़ा थोड़ा पाया सी, तुसीं ज़्यादा तेल दे विच जिमीकंद तलदे आपां उदां तल सकदे ज़्यादा पा के। तो इहनूं आपां सारे नूं कढ लैणे, एक डोंगे दे विच रख लैणे आ इसे कुकर दे विच। फिर आपां तड़का तैयार करदे। थोड़े मैं साबत मसाले लाए, दो क लौंग आ, दो वड्डियां इलायचियां, चार छोटियां इलायचियां, चार पंज कालियां मिर्चां, जीरा आ, तेज पत्ता आ, दालचीनी दा टुकड़ा आ। तो ये मैं लै जी अदरक, हरी मिर्च, लसण, प्याज ते टमाटर। तो ये अपना मसाले का ग्रेवी का समान जिहड़ा आपां तैयार किया। तेल मैं उहदे विच तल के कढ लिया सीगा। तो कटहल नूं हुण आपां तेल थोड़ा होर पाया, उहनूं चंगी तरह गर्म करके फिर थोड़ा जिहा ठंडा किया। साबते मसाले जिहड़े लए आपां पा दित्ते आ, माड़ा जिहा सेक लग गया तो लसण अदरक पा दिंदे आ। तो पहलां इहनूं आपां सेक लवा लैंदे आ। लसण आपां साबता ही पाउणा आ, आपां इहनूं कोई उह नहीं करना हैगा, पीसना नहीं हैगा, पेस्ट नहीं बनाउणा इहदा किसी चीज़ का भी। ऐसे तरह ग्रेवी जिहड़ी बहुत ही वधिया इहदी बण के तैयार हुंदी है। तो थोड़ा जिहा सेक लवा लैंदे इहनूं लसण अदरक नूं। पहले साबते मसाले पाते, लसण अदरक पाता है, तो इहनूं सेक लवा देना। इस तों बाद आपां पा दिंदे प्याज इहदे विच। बिल्कुल सिंपल उही तरीका जिहड़ा सब्जी बनाउण दा अपना आम हुंदा, पर टेस्टी बहुत सब्जी बनदी। इस तरह जरूर बना के देखियो। तो प्याज पा दिंदे सारे, प्याज नूं भी आपां जालना नहीं गा, बस इहनूं गुलाबी जिहा कर लैणा है। तो पक जाए बस थोड़ा जिहा, तो फिर ये आपां बाकी जिहड़ा टमाटर, हरी मिर्च वह पा देनी है। वीडियो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके बनाउंदी हुंदी, बिल्कुल छोटी जिही वीडियो रखदी हुंदी हां। चैनल मेरे नूं सपोर्ट कर दिया करो जी। नवें व्यूअर जिहड़े जुड़ते मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो जी। वीडियो नूं लाइक करिया करो, शेयर करिया करो, कमेंट करके दस्या करो। तुहाडे कमेंटां दे नाल जिहड़ा साडा हौसला बहुत वधदा आ, ते सानूं एनर्जी मिलदी अगे तों अगे नवीं तों नवीं जिहड़ी वीडियो बनाउण लई। तो प्याज अपने भुज गए, हुण आपां टमाटर ते हरी मिर्च जिहड़ी आ इह वी पा देणी आ। तो इहनूं भी आपां जिहड़ा चंगी तरह भुन लैणा। तो इहनूं मिक्स करके आपां थोड़ा नमक पा देणे ताकि टमाटर जिहड़े जल्दी नरम हो जाण, पक जाण जल्दी। दो आपां साबत लाल मिर्चां पा दित्तियां आ, नमक पा देणे मिक्स करके। तो आपां ढक्कणे दे उत्ते इद्दे रख के इहनूं पका लैणे घट सेक दे उत्ते। टमाटर अपने फटाफट पक जाणे इद्दां। बिल्कुल सिंपल जिहा तरीका है जी अपना कटहल की सब्जी। कई दिक्कत मानते हैं बनाने लई, तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके दे नाल आपां बना के दिखा देनी। उन्नी देर च आपां मसाले पा लैने, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी हल्दी पाउणी है, तो कश्मीरी लाल मिर्च, कलर वधिया आ जांदा इहदे नाल। पानी पा के इहनां नूं घोल दिंदे मसालियां नूं तां कि मसाले अपने जिहड़े फुल जाण। तो दूसरा इह जदों आपां सुके मसाले पाउणे, जालना ना उहदे विच तड़के दे, थोड़े जिहा पानी पा के इहनूं चंगी तरह रला के रख दिंदे मसाले नूं। तो उधर अपने जिहड़े टमाटर उन्नी देर च नरम हो जाणगे, इदां दा आपां घोल के रख लिया मसाला। तो देखो टमाटर अपने, टमाटर, प्याज, मिर्च, सारियां चीज़ां जिहड़ियां अपनियां एह नरम हो गईआं आ। तो जिहड़े आपां मसाले घोले आ उह पा दिंदे इहदे विच, इहनूं पा के रला के फिर इहनूं ढक देणा आ तां कि इह वी मसाला जिहड़ा चंगी तरह पक जावे। देखो उहदे विच आपां कोई नवां कम्म नहीं कीता हैगा। इह थोड़ी जिही सुक्की मेथी आपां सुका के रखी हुआ वह पा दित्ती आ। ते कोई इहदे च आपां एक्सट्रा कम्म नहीं कीता, मसाले अपने उही आ, बस बनाउण दा तरीका थोड़ा जिहा आपां बदल लईदा आ। ते ढक दिंदे इहनूं मसाले नूं। लो जी, देख सकदे तुसीं मसाला अपना ऐन पक गया आ, ग्रेवी बिल्कुल अपनी तैयार हो गई आ। तो कोई जरूरत नहीं आपां नूं इहनूं पीसण दी, नेड़े तों करके मैं दिखा दिंदी हां। देखो किन्ना वधिया मसाला अपना तैयार होया, स्मैल बड़ी वधिया आउंदी आ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹਾਲੇ, ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਆ 5 ਮਿੰਟ। ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 2-4 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਕ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ। 2 ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਸੀਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮ ਹੋਈ ਹੋ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ 2 ਸੀਟੀਆਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸੀਟੀ ਬੰਦ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸੀਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿਖਾਲਦੀ ਹਾਂ। ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਨੀ ਟੇਸਟੀ ਇਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਕਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਟਹਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ, ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਟਹਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।